शिष्टाचार जी वृषभ राशि में गुरु वो सूर्य और शुक्र की युति होने जा रही है, इसे कौन सा राजयोग का निर्माण होने वाला और इसे किन राशियों के ऊपर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। 19 मई को 14 मई से तो सूर्य वृषभ राशि पर जा रहे हैं, लेकिन 19 मई से सूर्य और शुक्र एक ही वृषभ राशि पर विराजमान हो जाएंगे। जब सूर्य और शुक्र की युति होती है तो इसे शुक्रादित्य योग कहते हैं, शुक्र और आदित्य का योग। इससे तीन राशि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस बार क्या है कि जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र अस्त अवस्था में है। फिर भी तीन राशि पर विशेष रूप से कृपा होने जा रही है। वृषभ, कर्क और तुला, ये तीन राशि वाले का विद्या और बुद्धि का विस्तार होगा और मांगलिक कार्य होंगे। और यदि ये तीन राशि वाले लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो ये समय में शुक्र और सूर्य की युति उसको विवाह की ओर ले जाएगा, ऐसा होने का चांस है, क्योंकि शुक्र और सूर्य की युति तीन राशि पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। तो जिन लड़कों का शादी हो करके छूट रहा है या तय हो करके गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए यह अवसर बहुत अच्छा है।